के खबरों का लखनऊ विधानमंडल के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार हैं। विधानसभा में कार्यवाही के लिए नए नियम तय। विधान भवन भी भीतरी सुरक्षा की व्यवस्था चुस्त की गई है। 2 जोन व 7 सेक्टर में जो व्यवस्था है वो बांटी गई है। भारी पुलिस बल के साथ ATS कमांडो भी तैनात रहेंगे। 5 सेक्टर में बांटी गई भारी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस अमला मौजूद रहेगा। विधान भवन में कार्यवाही के लिए नियम तय किए गए हैं। नए नियम जो है वो तय किए गए हैं। मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। विधान भवन की भीतरी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त की गई है। विधानमंडल के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत। मॉनसून सत्र में हंगामे के आसार। विधानसभा में कार्यवाही के लिए नए नियम तय। विधान भवन की भीतरी सुरक्षा की गई चुस्त। 2 जोन व 7 सेक्टर में बांटी गई व्यवस्था। भारी पुलिस बल के साथ है ATS कमांडो भी रहेंगे तैनात। 5 सेक्टर में बांटी गई भारी सुरक्षा व्यवस्था। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस अमला मौजूद रहेगा। संवाददाता रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत है, क्या कुछ उसको अपडेट है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। 7 तारीख से 11 अगस्त तक का यह सत्र चलना है और कल इसको लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो स्वस्थ चर्चा करना चाहते हैं और स्वस्थ चर्चा के जरिए उत्तर प्रदेश को कैसे विकास की गति दी जाए उस पर चर्चा करते हुए उसे आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जैसा कि सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही निंदा प्रस्ताव मणिपुर की घटना जो है उस पर लाने की बात कही है और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। तमाम चर्चाओं के बीच आज समाजवादी पार्टी के विधायक बड़ी संख्या में हंगामा कर सकते हैं। कल RLD के जो विधायक हैं उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। विपक्ष पूरी तरीके से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। पहले दिन प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष की कोशिश है कि 13 विधेयक उसमें सदन के पटल पर रखे जाएं, जिनमें विधानसभा की नई कार्यवाही भी है और इसके तहत 13 विधेयक पेश करने की कोशिश सत्ता पक्ष द्वारा होगी पहले दिन सदन के आज। लेकिन हंगामा तय माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी पर भी चर्चा करना चाहता है और मणिपुर की जैसी घटना हुई है और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का जो स्टैंड रहा है उससे आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में कई दिनों तक हंगामा चलता रहा मणिपुर हिंसा को लेकर के, ऐसे में आज से यूपी विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और विधान परिषद और विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। हालांकि सर्वदलीय बैठक में ये आश्वासन देने की कोशिश की गई कि सभी स्वस्थ चर्चा चाहते हैं और सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का हित हो, विकास के नए आयाम गढ़े जाएं। लेकिन बावजूद इसके भरपूर हंगामे के आसार लग रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है इस पर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, RLD हो, तमाम विपक्षी दल अपनी रणनीति बनाकर आए हैं और सरकार से सवाल पूछेंगे जरूर। जी बिल्कुल। रतीश, देखिए, इस सत्र के पहले पिछले सत्र से कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिसको देखते हुए उस बार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दिया गया है। 5 सेक्टर में जो बाहरी सुरक्षा व्यवस्था उसको बांटेगा और खबरें भी है कि ATS के कमांडो की भी तैनाती रहेगी। बिल्कुल, इस बार सुरक्षा घेरा एक नए तरीके से बनाया गया है। पूरी एक नई प्लानिंग की गई है और सभी विधानसभा के आसपास सुबह से ही देखने को मिल रहा है कि काफ़ी भारी बंदोबस्त किया गया है। 5 कंपनी PSC तैनात की गई है, ATS कमांडो तैनात किए गए हैं। कल DG स्पेशल और DGP स्वयं विधानसभा पहुंचे थे और पूरी स्क्रीनिंग की है किस तरह से विधानसभा के परिसर को, विधान भवन के परिसर को सुरक्षित बनाया जाए। क्योंकि सभी प्रदेश के सभी माननीय विधायक यहाँ पर होंगे, मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे, हाई प्रोफाइल सभी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। प्रदेश की राजनीति का केंद्र अगले कुछ दिन विधानमंडल बनने जा रहा है तो ऐसे में सभी की सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए DGP, DG स्पेशल समेत तमाम बड़े अधिकारी खुद विधानमंडल पहुंचे थे और सुरक्षा का जो खाका खींचा गया है उसको इंश्योर किया है कि कहीं से किस तरीके का लूप होल ना रह जाए। सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनज़र दौरा किया गया और उपयुक्त निर्देश भी दिए गए हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ काम करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे वक्त में जब सभी विधायक विधानमंडल के सत्र में शामिल होने के लिए लखनऊ राजधानी में है। रतीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।